ग्वालियर में भी छठ पर्व की धूम देखी गई। शहर के कटोर ताल पर डूबते हुए सूर्य को भगवान को अर्घ देते हुए छठी पर मनाया गया। सुहागन महिलाओं ने फल फूल मिठाई सब्जी के साथ चूनर छठी माता को अर्पित करते हुए परिवार के साथ पति की लंबी उम्र की कामना की। कल सुबह उगते ही सूर्य को जल देकर छठी पर्व का व्रत रखने वाली महिलाएं अपना व्रत पूरा करेंगी। छठी पर्व को देश भर में मनाया जा रहा है। जो हमारे दीनदयाल नगर क्षेत्र में इस अवसर पर आपने कह दिया, अगर आप नहीं भी कहते तो मैं मन में सोचे बैठा हूँ। भैया की कृपा होगा, निर्माण कराया अभी, उसमें थोड़ा काम और बचा है, लेकिन निर्माण हुआ है। और पिछली बार भी छठ पूजा हुई, इस बार थोड़ा सा ग्रेनाइट वगैरह का ऊपर का काम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या सिंह है। आज छठ पूजा मनाई जा रही है, इस पर कैसे देखते हैं? छठ पूजा मनाई जा रही है, मतलब बहुत अच्छा पर्व है। माँ छठ पर्व है, ये बिहार के लिए बहुत अच्छा पर्व है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, इसमें हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं छठी मैया की। सूरज ढलता है जब उसकी पूजा करते हैं, फिर हम सुबह आएंगे, सूरज उगेगा जब उसकी हम पूजा करेंगे। देखा जा रहा है कि युवा वर्ग अभी नए पर्व से पीछे छूटते जा रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये है कि जब हम देखेंगे जभी तो हम सीख पाएंगे ना। जैसे कि मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ तो मैं सीख रही हूँ, तो फिर आगे टाइम आएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या छठ व्रत होता है। पूजा का ये जो पर्व मना रहे हैं, किस तरह से पर्व मना रहे हैं आप? क्या कुछ विधि विधान से पूजा? इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये तीन दिन का व्रत रहता है, खरना, फिर ये छोटी छठ होती है, फिर आज बड़ी छठ है। आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, सुबह उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, और छठी माँ की पूजा करते हैं। दोनों भाई बहन हैं, छठी माँ और सूर्य भगवान, इनका बहुत ही महत्व है। जो भी पूरी श्रद्धा से विश्वास से माता रानी का पूजा करता है, भगवान जी का पूजा करता है, जिस मन्नत से पूजा करता है, जिस विश्वास से, माता रानी उसको पूरा जरूर करती हैं। जो भी जो मांगता है उसे माता रानी जरूर देती हैं। खासतौर पर पूजा किस तरह से की जाती है? किस तरह से किया, वो पहले खरना होता है, नहा उसी दिन नहा धो के खा पी जो लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते। फिर ये दो दिन का व्रत ये हो जाता है, एक कल तीन दिन का हो जाता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है इसमें? ठेकुआ चढ़ाते हैं, और सीताफल, पपीता, सेब, अमरूद, जो भी फल आपको मिल जाए माता रानी की कृपा से, जो भी फल आपको मिल जाए वो सब फल चढ़ाते हैं। उसके अलावा ये ठेकुआ बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, और गन्ना है, फूल है, माला है, पान पत्ता है, सुपारी है, ये सब लेके माता रानी के स्थान पे चले आते हैं। और धूप अगरबत्ती जला के, दिया जला के, पूजा करके, फिर सूप में ये फल लेके, मूली, अनानास, नारियल वगैरह लेके, कोई भी ले लो। आज किस तरह से छठ पूजा का प्रतिवर्ष की वहाँ, इस वर्ष भी कटोरा ताल पे छठ मैया की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे बिहार के लोग और जो ग्वालियर में निवास करते हैं, ग्वालियर में बरसों से रहते हैं, और इतने भी हमारे सभी सम्मानित महानुभाव हैं जो धर्म प्रेमी हैं, जो छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं, और हमारी खासकर बहनें जो 72 घंटे का निर्जला व्रत रखकर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जो मेहनत करती हैं, पिछले 2-3 दिन तक लगातार ये पर्व चलेगा। और इसके लिए मैं आने वाले समय में जो तिरहु जन कल्याण परिषद है उनके द्वारा कहा गया है कि ग्वालियर में वास्तव में इस प्रकार के आयोजन के लिए, पूजा अर्चना के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन हमने दीनदयाल नगर में एक कुंड बनवाया है मैंने अपनी विधायक निधि से, और आने वाले समय में अगले वर्ष भी यहाँ भी छठ घाट बनाने का निर्णय लिया है हमने कि छठ घाट बनाएंगे।